आपको दिखेगा ये स्टेशन बनाया जा रहा है, इसीलिए इसके लिए जो इतने लंबे लंबे ब्रिजेस क्रिएट कराए गए हैं, ये स्टेशन यहाँ पर बनते हैं। और मुझे तो लगता है इसका नाम भी रेडिशन ही होगा, रेडिशन स्क्वायर स्टेशन, क्योंकि सब अपने अपने नामों से पुकारते हैं यार। देखो अब अगर आपको जेन्युइन नाम अगर इसका दिखाऊंगा मैं उस स्क्वायर का, तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो सब अपने अपने नामों से याद रखते हैं यार। जैसे आर्टिस्ट बोलते हैं ना कि ये मेरा गाना था, ये जनता का हो चुका है। ये देखिए रेडिशन ब्लू की वजह से स्क्वायर का नाम रेडिशन स्क्वायर है, ये इसकी आइडेंटिटी है, स्क्वायर बन गया। तो अब हम ने ले लिया है लेफ्ट टर्न हमारे रूट पर, जो कि रॉबर्ट स्क्वायर से रेडिशन स्क्वायर, और अब ये जो स्क्वायर है ये जा रहा है हमारा रेडिशन स्क्वायर से विजयनगर। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिलर्स तो है ही, साथ में काफ़ी हद तक जो मेट्रो के बेस का काम करती है, जो उसके ब्रिज का काम करते हैं, जो उसके ट्रैक बोलते हैं जिसे, वो भी काफ़ी हद तक एक बहुत ब्यूटीफुल, मैं इसका ना एक टाइम लैप्स आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे स्विंग रॉकेट की तरह, जैसे हम दिवाली का एक रॉकेट छोड़ते हैं तो उसका के साथ इफेक्ट छोड़ता ना, वैसा दिखेगा, अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत जल्द आपको ना एक बिफोर आफ्टर कंपैरिजन भी दिखाऊंगा। आपने मेरे अगर चैनल में बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो आपको दिखेगा कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, जब भी हमारे पास वीडियोज हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको कि उन दोनों को साइमल्टेनियसली दिखाएं। ये हमारा अपोलो, ये भी बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, पर इसमें दुकानें अभी तक बिकी नहीं है, ये सिर्फ एक बार रिवॉल्यूशन कैफे चलते हैं खैर, पर ये भी बहुत जल्द फेमस है, ये तो अपना फर्जी कैफे के लिए है ना, पियानो प्रोजेक्ट, फर्जी कैफे। तो काफ़ी टाइम से अभी इसी रोटरी पर अटका हुआ है ये, पर ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं। सिर्फ एक कनेक्टर लगाकर उसको दौड़ाने का काम नहीं होता, दिखने में जितना आसान हमें दिखता है उतना आसान है नहीं, इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, और बहुत सारी परमिशंस होती है, उसके क्लियरेंस के बाद ही मूव अवेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बस ट्रैक बन गया तो बस छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ। अब ये देखिए सावधानी, ये लिखने का भी कोई कारण है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा स्टेशन। ओके, जैसा हमने रेडिशन स्क्वायर पर एक स्टेशन के लिए देखा ब्रिज बना हुआ है, वैसे ही ये यहाँ पर स्टेशन बनेगा। तो 50 मीटर से ऊँची कोई गाड़ी नहीं जा सकती, अब गाड़ियाँ खैर ऊँची नहीं होती पर उन पर लोड्स होते हैं ना यार, तो ये सारी चीज़ें मैनेज। ये विजयनगर स्टेशन बनने वाला है, अगेन हमारे ये देखिए पिलर्स का काम यहाँ पर चल रहा है, तो सारी स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा है कि तो मैं उन क्रिटिक्स को यहाँ पर एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो सिर्फ आते हैं और बुरा 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 कि इंदौर तो ऐसा है, इंदौर तो वैसा है, इंदौर में मेट्रो की क्या ज़रूरत है, खाली तो पड़ा हुआ है ये वो। तो मैं उन दोस्तों को एड्रेस करना चाहता हूँ कि दोस्त पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। यू नो, अगर आपने एग्जांपल सुना हो कि एक ऑप्टिमिस्टिक जो था उसको उड़ने की एक चांस दिखा तो उसने एरोप्लेन बना दिया, और वहीं पर एक पेसिमिस्टिक था उसको डर लग रहा था कि अरे प्लेन अगर गिर गया तो उसने उस डर का क्रिटिसाइज नहीं करा, या उसको एरोप्लेन को चलने से रोका नहीं उसने, उसने उसका दिमाग लगाया और एक पैराशूट जो है वो ईजाद था। वैसे ही मैं उन दोस्तों से मैं आग्रह करूँगा कि आप सिर्फ यार बखेती मत करो दोस्त,
उसके क्या किया जा सकता है अगर वो एड्रेस करो तो थोड़ा सा आप भी प्रोडक्टिव लगोगे, आपसे लोग हेटरेट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव कमेंट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा वो इंसान? बिल्कुल नहीं यार। इफ यू वॉन्ट टू बी लाइकेबल तो ट्राई टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉज, यू नो, गिव अ क्योर, डोंट ट्राई टू एड्रेस अ प्रॉब्लम ऑलवेज। प्रॉब्लम तो सबको है यार, सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। यू ट्राई टू गिव अ क्योर, अ कॉज, कि इस चीज़ को ऐसे किया जा सकता है या इस चीज़ को वैसे किया जा सकता है। शायद आपका आइडिया, जिसको प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो सबको ही पता है, उसको भी पता है, उसको आपका सॉल्यूशन काम आ जाए, फिर दैट माइट मेक यू अ फेवरेबल पर्सन। ओके, सो बी अ क्रिटिक विद अ गुड इंटेंशन, डोंट ट्राई टू हर्ट एनी वन। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। बाय द वे, हमारा मैकडूत क्रॉस हो गया। हम विजयनगर थे कुछ देर पहले, रेडिशन थे, फिर विजयनगर थे, अब आ गए मैकडूत। और ये अपना दूसरा लॉन्चर भी दिख गया अपने को एक ही ट्रैक पर। अब आप देखो, तो वो भी अपना एफर्ट लगा रहे ना। अब ले लो, यहीं पर हमारे मेट्रो में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, राइट, कि बंगाली स्क्वायर से हाई कोर्ट होता हुआ से राजवाड़ा, ओल्ड हेरिटेज जो मेट्रो जाने वाला था, उसके लिए हमारी मेयर जी ने, मालिनी गौर जी ने एक प्रस्तावना रखा था। तो उनको प्रॉब्लम तो थी, पर उन्होंने प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया ना, कि यार आप यहाँ से ना ले जाते हो, ऐसे यहाँ से ले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेट्रो होने ही नहीं चाहिए, बंद कर दो। सो बी अ मैच्योर पर्सन एंड ट्राई टू गिव अ गुड आंसर और गुड कमेंट, जिससे आपको भी लोग समझें, है ना। मुझे नहीं लगता कि आपकी ऐसी नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के या ऐसे बैड रिव्यूज़ पढ़ के कोई आपको भी समझने की कोशिश करता होगा। पहला माइंड मेरे, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं किसी और का भी पढ़ता तो मुझे ऐसे लगता कि यार क्या है ये आदमी, खुद भी बहुत नेगेटिव है और नकारात्मक ही जीवन इसका भी खुद का होगा, तभी ये बातें भी ऐसी करते हैं। ट्राई टू चेंज योर माइंड सेट यार, वो नहीं करते तो इट्स योर लाइफ ब्रो। मुझे तो कमेंट पड़ा था, ये मेरा व्यू ओपिनियन था उन चीज़ों को लेकर। मैं तो अभी मेट्रो दिखाने आया हूँ, पता नहीं क्यों पंचायत मैंने चालू कर दी। अब आपको देखो, ये एक पट्टी अपने को खुला दिख रहा है, तो इस पट्टियों को अपन दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये जब काम दिख रहे हो, ये अभी एक साचा समझ के, साचा जैसे कुल्फी बनती ना कुल्फी, तो इस पिलर की पहले जो सरिया होता है, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती है, उन्हें सेटल डाउन करने के लिए ये अभी जो उन्होंने ट्रेन करा इसके अंदर अब ये डालेंगे ताकि वो सही रहे। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज हैं यार अपने पास। अभी तक अगर चैनल लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो शेयर तो क्या ही करा होगा। तो सबसे पहले तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बताता रहूं। क्योंकि यार सपोर्ट तो चाहिए होता दोस्त। देखो, विदाउट सपोर्ट हम कैसे काम करेंगे? नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, पर समर्थन तो इज मस्ट, यू नो। एक सरप्राइज एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। टिक टिक टिक, ये देखो, ही इज द पर्सन जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत सारे लोगों की राय अलग